आम आदमी पार्टी भी काम अच्छा करते, शिक्षा के में वो अच्छा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी तो भाजपा का आएगा। ये बताइए कि यहाँ पे तीन पार्टियाँ आ चुकी हैं लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव, तो क्या लगता है किसकी पार्टी बनेगी? अरे मोदी मोदी। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा शुक्ला और न्यूजीफाई की टीम पहुँच गई है ये देखने कि हीरो को किस तरह से तराशा जाता है, कैसे कच्चे माल से उसे इस तरह से बनाया जाता है कि रोज अपने और लोग अपने डायमंड की ज्वेलरी लेना पसंद करते हैं। सूरत के बारे में ये भी कहा जाता है कि दुनिया में अगर 10 डायमंड का अगर नेकलेस अगर पहन रहे हैं तो उनमें से 9 डायमंड के जो होंगे, डायमंड्स छोटे छोटे जो होते हैं वो सूरत से बन के जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो किस तरह से कच्चा डायमंड होता है, हम आपको ये भी बताएंगे कि रफ डायमंड कैसे होता है, उसे फिनिश गुड किस तरह से बनाया जाता है, और जिस तरह से हम पिक्चरों में देखते हैं आधा से ज़्यादा तो हमने डायमंड रियल लाइफ में देखे नहीं है। तो आप सबको न्यूजीफाई दिखाने जा रहा है कि रियल डायमंड किस तरह से होता है और वो किस तरह के कलर के होते हैं। तो चलिए जानते हैं, केम छो? मदामा। आपका नाम? मुकेश। तो मुकेश जी, थोड़ा सा हमें पहले रफ डायमंड बताइए, कहाँ कैसा दिखता है और क्या है उसकी खासियत? डायमंड है, इनको सेफ फाइल से बनाना पड़ता है, फिर उसको तराशा जाता है और ये तैयार है। हाँ। जो तराशा गया है वो हीरे हैं, इसमें अलग अलग कलर के ये होते हैं, अलग अलग शेप से हम लोग बनाते हैं इसमें। जैसे ये जो ये दिख रहा है ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर का डायमंड होता है या फिर उससे ब्लू? हाँ, वो डायमंड कलर का सेमी होता है। अच्छा, सेम कलर के डायमंड निकलते हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो मतलब कि जैसे हमने देखा है कि इतना बड़ा पत्थर होता है, तो वो पत्थर टाइप का होता है कि ये सिर्फ ऐसे ही आते हैं? नहीं, ये पत्थर पूरे, जितनी बड़ी साइज का पत्थर होगा उतना ही बड़ी साइज का तराशा जाएगा। अच्छा, तो चलिए हमें इसके प्रोसेस बताइए थोड़ा। वहाँ हमने देखा है मशीनरी लगी हुई, प्रोसेस हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। प्रोसेस में देखते हैं। चलिए हम प्रोसेस देखते हैं। मुकेश जी, हमें बताइए कि ये पीसी में क्या हो रहा है? ये रफ डायमंड है, उससे मेजरमेंट होगा इसका कि ये कौन सी साइज का और कौन से शेप में हीरा बनेगा। अच्छा, तो ये मतलब कि आप जैसे अभी जो दिख रहा है वो हार्ड शेप था, अभी ये एप्पल शेप है, मार्केट शेप है, ये अलग अलग शेप में हीरा बनता है। तो ये डिजाइन हमें सेट करना होता है ना कि हमें किस नहीं, वेट के हिसाब से हम क्वालिटी के वाइज सेट करते हैं। अच्छा, तो ये वेट के क्वालिटी के हिसाब से होता है। जी हाँ। चलिए देखते हैं दूसरे पीसी में क्या हो रहा है। आइए देखते हैं इस यहाँ पर क्या चीज का काम हो रहा है। इसमें जो भी वेस्टेज होता है ना, मतलब जो खराज पीस होता है उनको अलग करके जो क्लीन पीस होता है उसको अलग अलग करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये भी रफ डायमंड ही है, और एक बार दिखाओ ध्यान से। हाँ, यहाँ पर क्या चीज़ की कामगिरी हो रही है? यहाँ पर हीरे तराशे जा रहे हैं। हाँ। ये भाई साहब है वो बॉटम का काम कर रहे हैं, ये एक टॉप का काम कर रहे हैं, वो स्टार का काम, मतलब अलग अलग डिजाइन अलग अलग इंसान करता है यूँ। अच्छा। टोटली अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं अलग अलग काम के लिए। छोटे डायमंड को डालने का प्रोसेस है जो हमने देखा था। हाँ, जो उनको फिट करता है ये मशीन है, उसमें फिट करके फिर बनाते हैं, क्योंकि हाथ से तो घिसाने जा रहा है, ये इस पर बहुत स्पीड से जो चल रही है। हाँ। उसमें हीरा बहुत गर्म हो जाता है, अगर उसको टच करेंगे तो हाथ भी जल सकता है। अच्छा, हीरो को काटने के लिए कितना तापमान आपने बताया था मुझे? नहीं, इसमें तो मशीनरी है उसी के हिसाब से होता है। हाँ। बाकी जो लेसर में होता है, लेसर के हिसाब लेसर से ही हीरा कटता है, बाकी ऐसे किसी से नहीं, हीरा हीरे से ही कटेगा। इसमें जो घिस रहे हैं तो हीरे का पाउडर लगा के फिर उसको घिसा जा रहा है, बाकी ऐसे हीरा नहीं घिसा जाता, किसी लोहे की सरन पे ऐसे घिसा नहीं जाएगा। तो एक बार हमें वो डायमंड किस तरह से रखा जाता है हमें वो बताएंगे। चलिए, हीरा को किस तरह से बिठाया जाता है? ये हीरे को मशीन में बिठाएंगे, देखियो मैं आपको बताता हूँ। ये हीरा है, आप लीजिए। उसको ये मशीन में बिठा रहे हैं, अब इसको प्रोसेस करना चालू हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये हीरा बैठ गया? हाँ, हीरा बैठ गया। अच्छा। अब उसको मशीन में घिसना चालू हो जाएंगे। और इसे देखने के यंत्र को क्या कहते हैं? आई ग्लास कहते हैं। अच्छा, उसको आई ग्लास द्वारा ही देखा जाएगा, ऐसे नहीं देखा जाता। तो बहुत छोटे छोटे हीरे हैं। हाँ। और अच्छा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती बिठाने में? नहीं, दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस, कैसा है काम करके? अच्छा, यही बताएंगे, बताइए कैसा रहा ये सबका, कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने? बहुत अच्छा है, ये लोग काम करते हैं। अच्छा। हाँ, सब अपना अपना अभिप्राय देंगे, एक मिनट में। हाँ, चलिए यहाँ के लोगों से अभिप्राय हम जानेंगे। तो केम छो?
हारू छे कि मजा मचो। तो दिवाली कैसी रही? दिवाली सबसे अच्छी रही। सही थी। कितने दिन की छुट्टियाँ मिली थी यहाँ से? यहाँ से 15 दिन की छुट्टी मिली। 15 दिन तो कहाँ घूमने गए? ये गुजरात में घूमा, गांव नहीं गया। अब की बार गांव नहीं गए। टिकट का लफड़ा हुआ होगा? नहीं, टिकट तो मिल जाता है, उससे तो जाने का इच्छा नहीं था गांव। इसके लिए आपकी गुजरात में दिवाली मनाने का इच्छा था। अच्छा, तो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम 2008 से रह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ वोटिंग कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार अपना भाजपा की सरकार रहेगी ना। अच्छा, भाजपा? आम आदमी पार्टी को नहीं लाएंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं, इसलिए यूपी में भाजपा ही है तो गुजरात में भी भाजपा को लाएंगे ना। अच्छा अच्छा, तो चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया, क्या नाम है? गोविंद झा। कहाँ से हैं? बिहार। तो इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की। दिवाली कैसा रहा? अच्छा रहा। कहाँ गए थे छुट्टी मनाने? गांव गए थे। गांव? तो इस बार हमने देखा सुना कि बहुत ट्रेन का लफड़ा हुआ, थोड़ा बहुत ट्रेन ढंग से नहीं मिल पाई लोगों को। हमने दशहरा में निकल गए थे। अच्छा, दशहरा में निकल गए थे? हाँ, पहले हमें भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ा। छठ पूजा कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो अब आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो उस पर क्या रुख है? आम आदमी पार्टी भी काम अच्छा करते, शिक्षा के में वो अच्छा ध्यान दे रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी को एक बार मौका देंगे? राहुल गांधी कुछ अलग ढंग से हैं, वो अभी उनको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, उनको यहाँ मौका नहीं मिलेगा। चलिए हम और लोगों से जानते हैं कि क्या अभिप्राय है। तो क्या हाल चाल? कमल ठाकुर। अमन ठाकुर हाल चाल है? अमन ठाकुर, क्या बात है। अच्छा, अमन ठाकुर, क्या हाल चाल बताइए। हाल चाल बहुत अच्छा है। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। कैसा रहा छठ पूजा? छठ पूजा तो अच्छा ही होता है अपने। अच्छा। बिहार में नहीं, मतलब यहाँ मनाया या गांव में? यहाँ मनाए थे। यहाँ मनाए थे? इस बार गाँव नहीं गए। अच्छा, तो क्या, क्यों गाँव नहीं गए? मन नहीं था या फिर टिकट का? आए ही थे एक महीना पहले, इसके लिए नहीं गए। अब चार आदमी को लेके जाएंगे तो 5,000 रुपया टिकट का भाड़ा लग जाएगा, इसके लिए नहीं गया। तो इस बार इलेक्शन आ रहा है, तो क्या लगता है कौन आएगा इलेक्शन में? तो भाजपा का वैसे आएगा। अच्छा, लेकिन पार्टियां तो बहुत आते हैं जाते हैं। अच्छा, पार्टियां बहुत आती जाती रहती हैं। तो हमें ये बताइए कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा बनती है तो आप लोगों का क्या मांग है उनसे? हम लोगों का तो मांग जो होता है वो थोड़ा पूरा करते हैं, लेकिन भाजपा का गुजरात में सरकार चलता है। गोवर्धन भाई। गोवर्धन भाई, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? इधर 12 साल से। 12 साल से। इसके पहले कहाँ रह रहे थे आप? बॉम्बे। बॉम्बे, तो क्या हाल चाल यहाँ का? यहाँ तो अच्छा है एकदम। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? तंदुरुस्ती से कौन वापस आएगा? भाजप तंदुरुस्ती से वापस आएगी। आम आदमी पार्टी? आम आदमी नहीं चलेगा इधर, नहीं आएगा। वो तो कह रहे हैं कि गुजराती हमें बहुत पसंद करते हैं। हराम का किसी को नहीं मांगता है वो। अच्छा, हराम का किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, जो वो मुफ्त की चीज़ें दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। कह रहे हैं कि सबका बचत होगा, पैसों की बचत होगी तो वो इंसान और आगे बढ़ पाएगा। वो तो बराबर है, अभी क्या सब काम करके लेता है, ऐसा नहीं लेगा। अच्छा, तो बीजेपी कन्फर्म? हाँ, पक्का कन्फर्म, बीजेपी कन्फर्म कह रहे हैं। चलिए, हम केम छो? अरे मजामा। मजामा, कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से। हाँ। क्या कर रहे हैं? बस एक मैच देख रहा हूँ, हीरा बना रहा हूँ। अच्छा, मैच देख रहे हो, हीरा बना रहे हो। तो चलिए बताइए, मैच प्लस हीरा बना रहे हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पे 3 पार्टियाँ आ चुकी हैं लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव, तो क्या लगता है किसकी पार्टी बनेगी? अरे मोदी। मोदी। अच्छा, कैसा चल रहा है ये आपका काम? बढ़िया चल रहा है। 15 दिन की छुट्टी में कहाँ गए थे? हाँ, यही था। यही थे? हाँ, कहीं नहीं। अच्छा, कहीं घूमने नहीं गए? अच्छा, चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। केम छो? मजामा। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। केम छो? मजामा। क्या नाम है? अजय सिंह। कहाँ से हैं? एमपी, ग्वालियर। तो क्या हाल चाल यहाँ का? सब अच्छा है। कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 14 साल। तो बताइए यहाँ का कामकाज कैसा चल रहा है? सब अच्छा है। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है? मोदी, बीजेपी। बीजेपी? ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बीजेपी के कारखाने में आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उनका ही क्रेज है। अच्छा, उन्हीं का क्रेज है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे? आप तो यंग हैं, और ऐसा आम आदमी कहती है कि यंग लोग हमें पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हो तो अपना अपना मानना है, कौन क्या मानता है। चलिए, हम और भी लोगों से पूछते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये लोट है। अच्छा, किसी का वीडियो कॉल आ रहा है?
अरे वो घर वाले का आ रहा है। घर वाले का है। तो क्या हाल चाल यहाँ का? सब बढ़िया है। नाम क्या है? सूरज कौशल। सूरज जी, तो बताइए कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने तो यहाँ का काम काज सीखा है? इसके पहले भी इसी में थे? नहीं, इससे पहले थे हम। 8 साल हो गए मुझे। तो दिवाली कैसी रही? दिवाली मस्त। सब बढ़िया बढ़िया। कहाँ गए छुट्टियों में? छुट्टियों में कहीं नहीं गए थे, घर पे ही थे, फैमिली है अपनी। अच्छा, फैमिली है। तो बताइए कि इस बार चुनाव में आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या लगता है कौन आएगा? जी, हमारा यहाँ का वोटिंग नहीं, हमारे गांव का है। अच्छा, गांव का है। तो क्या हाल चाल यूपी का? यूपी मस्त है। मस्त है। तो चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं। चलिए जानते हैं। स्टार्ट। केम छो? आरो छे। आरो छे। कहाँ से हैं? एमपी। एमपी। तो क्या हाल चाल एमपी का और यहाँ का? यहाँ आरो से, एमपी में काई नदी। यहाँ का हाल चाल कैसा है? यहाँ अच्छा है सब। अच्छा है। तो इस बार 15 दिन के वेकेशन में कहाँ गए? रूम पर। कहीं नहीं गया रूम में। कहीं नहीं गए घूमने। तो बताइए क्या इस बार किसकी सरकार हो सकती है? किसकी सरकार क्या मालूम है, इधर हूँ वो एमपी में क्या मालूम किसका सरकार। यहाँ यहाँ चुनाव होने वाला है तो पूछ रही। यहाँ तो बीजेपी बनेगा ना। अच्छा, यहाँ बीजेपी बनेगा। हाँ। अच्छा, चलिए हम और भी लोग से जानते हैं क्योंकि यहाँ हमेशा बीजेपी की सरकार की बात हो रही है। चलिए जानते हैं। केम छो? मजा माँ। कहाँ पहुँचे? 136 पे। 136 पे है। अरे वाह, क्रिकेट। 3 विकेट हो गया। 3 विकेट हो गया। तो बताइए कैसा चल रहा है सब कामकाज? कामकाज सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो मुझे ये बताओ कि इस बार इलेक्शंस के मुद्दे क्या हो सकते हैं? इलेक्शन के मुद्दे में क्या बताना, मालूम ही हर बार बीजेपी है, बीजेपी आएगी। अच्छा, और कौन है? आम आदमी पार्टी के बारे में वो खाली ऐसे झाड़ू लगाने वाली है, झाड़ू लगाती रहेगी हर बार। अच्छा, हर बार झाड़ू लगाएगी। हाँ, झाड़ू झाड़ू ऐसे झाड़ू लगाती है, लगा देती रहेगी। चलिए और भी जानते हैं। हाँ, छो बहु मजा माँ। बहु मजा माँ, क्या कर रहे हैं आप? मथाड़ा मार रहे हैं। मथाड़ा मार रहे हैं। मथाड़ा मार रहे हैं। क्या नाम है? भंडारी भाई। भंडारी भाई, क्या हाल चाल आपका? बहुत बढ़िया है। घर में सब ठीक? हाँ ठीक है। ठीक है। कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे। कहाँ पढ़ने जाते हैं? एक हाई स्कूल में है, एक बीए में है लड़की। अच्छा, तो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा कि सब प्राइवेट से? नहीं, एक प्राइवेट में है, एक सरकारी में है। अच्छा, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है? ठीक ही है। ठीक है। अच्छा बोल सकते हैं या ठीक बोल सकते हैं? अच्छा बोल सकते हैं, ठीक बोल सकते हैं, दोनों तो एक ही हुआ। अच्छा, केजरीवाल ऐसा बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम गवर्नमेंट स्कूलों की बहुत अच्छी सुविधा करेंगे, क्या लगता है कौन आएगा? ये तो किस्मत जाने केजरीवाल की। अच्छा, भाजपा है कि केजरीवाल आए, हमसे क्या है, वो तो उनकी लड़ाई है। अच्छा, उनकी लड़ाई है। चलिए हम और लोगों से जानते हैं कि क्या हालचाल, क्या अभिप्राय है। केम छो? सारू छे। सारू छे। कहाँ से हैं? गुजरात। गुजरात। तो गुजरात में सूरत से ही प्रॉपर है कि कहीं और से आए हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए हैं। तो इसके पहले क्या कर रहे थे आप? हीरे घिसता तो पहले। अच्छा, हीरे घिसते थे। तो क्या हालचाल अपना बताइए। सब सब ठीक है। सब ठीक है। तो गुजरात में कैसा हालचाल है, मतलब चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सही है। सही है। कौन आएगा? भाजप। भाजप। अच्छा, अब हारू से हो? हारू छे। क्या हम हूँ वहाँ तो हारू हुआ है ना अपना। अच्छा, क्या कितना स्कोर रहा किसका? मैच का? हाँ, 141 रन क्या से। अच्छा, 101 पे 4 विकेट। हाँ, 4 विकेट। 142 पे 4 विकेट। 4 विकेट। अच्छा, 142 पे 4 विकेट। कैसा कैसा माहौल है यहाँ चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर? हाँ, चुनाव के लिए अच्छा है जी। अच्छा माहौल है। कितने लोग आए प्रचार प्रसार के लिए आपके दरवाजे तक? अभी तो हम इधर कारखाने में है, कहाँ पे मालूम होगा। अच्छा, तो किसकी सरकार बन सकती है? मोदी की। मोदी की। अरे वाह। चलिए हम और लोगों से जानते हैं कि क्या अभिप्राय है उनका। केम छो? मजे में। मजे में। क्या नाम है? आलिम। हा? आलिम। आलिम, कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से। यहाँ पर काम के लिए आए हो? हाँ। अच्छा, तो कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से। तो क्या हाल चाल यहाँ का यूपी का? ठीक है। कैसा है माहौल यहाँ का, सेफ्टी को लेकर, हर चीज को लेकर? सब बढ़िया। गुजराती समझ में आती है? नहीं, गुजराती नहीं। अरे धीमे धीमे सीख जाओगे। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? मेरे को तो कुछ नहीं पता इसमें बारे में। अच्छा, इस बारे में कुछ नहीं पता। चलिए हम और लोगों से जानते हैं। केम छो काका? मजा माछे। मजा माछे। क्या नाम है? राकेश भाई। राकेश भाई, यही प्रॉपर यहीं से या फिर कहीं से आए? ना ना, एमपी। एमपी से। उज्जैन। तो बताइए क्या हाल चाल, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं 20-22 साल से। 20-22 साल। तो आप हमें
थोड़ा ज्यादा जानकारी दे सकते हैं कि कैसा रहा कार्यकाल भाजपा का? भाजपा तो अच्छा ही है ना। अच्छा है तो इस बार वो दोबारा लौट कर आएगी सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ वापस आएगी? आएगी आएगी, 100%। 100% आएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी तो आई है, तो उसके बारे में कुछ बोले? नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, कुछ नहीं बोल सकते। बाकी भाजपा सरकार पे हम वोट देते हैं तो वही आएगी। अच्छा, आपको केजरीवाल पसंद नहीं? अच्छा, चलिए हम और भी बात करते हैं। कैसे हैं? बढ़िया है। सही है। अरे अच्छा, लंच नहीं हुआ क्या आप लोगों का? हाँ हुआ है, सही है, बढ़िया है। अच्छा, धीमे धीमे आवाज, ऐसा लग रहा है कि सर ने लंच का टाइमिंग नहीं दिया आपको काम के मारे। दिया है टाइम तो। लंच का टाइम तो चलिए, क्या हाल चाल बताइए, नाम क्या है? नाम सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा, तो बताइए कि कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल वोटिंग कर रहे हैं? वोटिंग अभी बोर्ड नहीं कर रहे। इसके पहले कहाँ करते थे? गाँव में। गाँव में, तो यूपी? यूपी से। कैसे हैं मोदी जी? मोदी ये सही है। सही है, तो चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं। तो फिलहाल तो हमने लगभग सबसे जान ही लिया, लेकिन हम एक लाइन बच गया, उनसे हम पूछ लेते हैं। केम छो? मजा में। मजा में, तो कितने सालों से रह रहे हैं? कितने कितने सालों से रह रहे हैं? कितने साल से? केटला वर्षों थी यहाँ रहो छो? आया हूँ 5 वर्ष, 6 वर्ष रहो। आना पहला क्या रहता था तमें? आना रोज गाँव। गाँव कयू गाँव? देदड़ा, पालीताड़ा। पालीताड़ा, तो केवु छे भाजपा नो कार्यकाल? भाजपा नो कार्यकाल तो बरोबर नहीं, पर आम आदमी पार्टी अभी जो है। आप पार्टी अभी जो है? हां, पार्टी जो है, भाजप तो जो ही नहीं, एक के भाजपा नो गुंडा नो जो है। अच्छा, भाजपा नो गुंडा? गुंडा एक के होवत नो जो, भाजप साबत થઈ ગયું તો ભાજપ 70 વર્ષ તો રાજ કર્યું બરોબર, 70 વર્ષ માં કોઈ સારું કામ કર્યું નથી કે પુલ બાંધ્યો નથી બરોબર। હવે આમ આદમી પાર્ટી જે આવે છે ઈ વ્યવસ્થિત છે, ઈ પાર્ટી જ આપણે જોઈએ છે। અચ્છા, તો આપકો એસા લગ રહા હે પરિવર્તન હોગા? હા, પરિવર્તન હોગા। तो आप पार्टी को क्यों लाना चाह रहे हैं? वो शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कर रही है इसको? आप पार्टी ऐसा लाना चाहिए कि आप पार्टी को बिजली फ्री में देता है, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, वो भाजपा 70 वर्ष का यहाँ से तो उसने कुछ किया नहीं, तो आम आदमी पार्टी आएगा तो कुछ तो कम होगा ना। अच्छा अच्छा, तो आपका रुख आम आदमी पार्टी की ओर है? आम आदमी पार्टी चाहिए, आपने दूसरा कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, हाँ पक्का। अच्छा, तो देखते हैं इलेक्शन में कौन से आप आदमी पार्टी में देने का है। हाँ पक्का। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं। केम छो? मजामा। क्या देख रहे हैं? सत्संग। सत्संग, अरे वाह, तो बताइए इस बार किसकी सरकार? भाजप में। अरे बताइए, भाजप की सरकार है अभी इलेक्शन में? भाजप आई है, आम आदमी पार्टी आई है, कांग्रेस आई है, किसकी सरकार बन सकती है? आम आदमी। आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है? हाँ वो। चलिए, इसी तरह से हम लोगों का राय और अभिप्राय आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा न्यूज़ी5 न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।